لك النور وبك النور وعليك النور وقبل كل نور وبعد كل نور حق المبين بابا فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله مع الصابرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين المبين المتين الكريم والحمد لله رب العالمين अल्लाह का बेपनाह शुक्र व एहसान है। कई सालों से पंजुकी शरीफ का नाम सुन रहा था, मुतअद्दिद जलसों में और जगहों में शायर हिंदुस्तान ज़िया गुद्दावी साहब से मुलाकातें हो रही थी, मगर उनकी हैसियत नहीं हो सकी हमको वो पंजुकी ला सके। लेकिन आज अचानक शायर हिंदुस्तान क्लासिकल का बेताज बादशाह जनाब कारी हबीबुल्लाह नूरी साहब की मोहब्बतों की जंजीर में गिरफ्तार होकर पंजरुखी में आ गया। उसमें आपकी मिट्टी से एक होनहार बेहतरीन हाफिज बेहतरीन कारी हाफिज और कारी जनाब सद्दाम हुसैन साहब जिंदा शामिल रहे, और उलमा इमा होंगे तो मैं नहीं जानता। अल्लाह सबको दीन दुनी राजनी तरक्कियां अता फरमाए। कुछ देर तक आप लोग सुनेंगे नेताजी, हम भी किसी काम के हैं। अल्लाह का बेपनाह शुक्र एहसान है, जय्यिद उलमा-ए-किराम अइम्मा-ए-किराम मुफ्तियान-ए-इज़ाम तशरीफ़ फरमा है। मैं सबों का नाम नहीं जानता, मगर इतना मैं ज़रूर जानता हूँ कि मेरी जमात के हर आलिम रात के अंधेरे में और दिन के उजाले में कोई और काम नहीं करते हैं, वही काम करते हैं जो मसलके आला हजरत का काम होता है। शहदाए करबला के हवाले से इस लॉकडाउन में इतना अच्छा आप लोगों ने प्रोग्राम किया, इतना अच्छा इंतजाम किया जिसका कोई जवाब नहीं। रात काफी गुजर गई इसकी वजह से। अच्छा एक और है जिया भाई, इधर आगे बैठो। रात घुमे हो गए आप, क्या मोबाइल चलाते हैं? तीन तरफा मजमा है आपका, है ना भाई? दाएं तरफ भी लोग बैठे हैं, सामने तो हद्दे निगाह, और बाएं तरफ भी बहुत लोग बैठे हैं, तो मजमे के हिसाब से आपके पंडाल के हिसाब से यहाँ खिताबत वाली जो कुर्सी होनी चाहिए वो रिंग वाली है ना भाई, तो आदमी खिताब करेगा घूम घूम कर। अब मेरी आँख ऐ बोली साहब क्या बात है, बड़ी प्रॉब्लम? अब अल्लाह ताला इंसान को आँख दे दिया है और सीधा देखता है, तो अब हमें बार बार तकलीफ उठानी पड़ी। स्टेज पे बैठा था तो मैं पीछे देखा तो तीन नौजवान आधा कोमा में जा चुका है। देखिए अब उन लोगों को हम कैसे सीधा करें? अगर सामने होता तब मैं कुछ काम अपना करता है कि नहीं? ए लड़का ए तकरीर रिकॉर्डिंग करता क्या मतलब? जादू बन गया है, टोपी नहीं पहना है और दोनों पांव सीमेंट के बैठा है दो, और उसके अलावा तीन कलर का कुर्ता पहना है, चार पांच गुस्ताखे साफ कर रहा है तुम। अच्छा ढको उर्दू नहीं समझ लगा तो कुछ देर तक हमको आप लोग बर्दाश्त करेंगे? अरे बोलिए ना भैया। तो जितने मर्द बैठे हैं मजमे में सब लोग हाथ उठाइए, अगल बगल देख लीजिएगा कौन मर्द है नहीं है, मर्द लोग उठाइएगा बाबा, और ना उठाए मर्द सब उठा लिए, दिल से बोलिए या हुसैन। नहीं और जान लगाइए या हुसैन, और जान लगाइए या हुसैन। अल्लाह तेरे महबूब के नवासे का नाम जिन लोगों ने पंजरुखी शरीफ में आधी रात में दिल से लिया है उन सबों को करबला शरीफ बना दे।
आयत करीमा जो तिलावत करने का शरफ हासिल किया, जो आपके मुकद्दर से और मेरे मुकद्दर से वक्त हाथ लगेगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप पर बोझ ना बनूं, आसानी के साथ आपके दिलो दिमाग में बात को उतार दूं और अपना काम करके मैं वापिस चला जाऊं। आइए कुछ अर्जो मारूस से बेहतर सुनने सुनाने से पहले आकाए नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक और मुख्तार यतीमों को सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, गरीबों को सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, बेवाओं को सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, जनाब अहमदी मुस्तफ़ा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में बाबा से बुलंद दरूशी पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मदीन अभी दो तीन मिनट और हम टाइम लेंगे पगड़ी बाबा, मुझको देखो तुम, दो तीन मिनट टाइम और मैं लूंगा, उसके बाद तक शुरू करूंगा। दो तीन मिनट के अंदर जिसको जिसको भी घर जाना है वो जा सकता है, ये मेरे तरफ से आर्डर है। तीन मिनट के बाद कोई जाना जाने की कोशिश करेगा तो मैं जाने नहीं दूंगा। और अल्लाह का करम है, दो चार को हम वकील भी रखे हैं, हम भेज देंगे, बीच में पकड़ा जाइएगा, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए जिसको भी जाना है तीन मिनट के अंदर वो जा सकता है, मुझे कोई शिकायत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। रात काफी गुजर गई, नींद आ रही होगी, सोएगा आदमी, आया और कोई हाजत होगी, हमको कोई टेंशन नहीं। अल्लाह का एहसान है, हम पूरे मुल्क में टेंशन लेते ही नहीं है, बल्कि मिला जुला कर दूसरे को देकर हम चले जाते हैं। इसलिए आपको अगर जाना है तो आप जा सकते हैं, ये क्लियर बात है कि नहीं? आप हम रहते हैं धनबाद में, मेरा घर जमुआ है, गिरिडीह जिला, ठीक है ना? और हम आपको जो है हल कराने की नीयत नहीं सिखा पाए, विहीन गवाने नीयत नहीं सिखा पाए, वही कहेंगे वही सिखाएंगे जो हमारे मशाइख हमारे उलमा ने कहा है, हमें पढ़ाया है सिखाया है, वही आपको बता के जाएंगे। हम धनबाद में रहते हैं, मदरसा चलाते हैं और धनबाद में कोयला निकलता है, कोयला निकलता है, मगर पढ़े लिखों से पूछिए कोयले में कभी कभी हीरा निकलता है ना भाई, पता निकलता। तो मैं कोयले की कान में रहता हूँ और अल्लाह का एहसान है, बुजुर्गों की दुआएं उलमा की दुआएं लेकर मैं भी कुछ कुछ निकालता रहता हूँ। तो इन साल जो मैं निकाला हूँ मुहर्रम में, उसको पचरुखी में फैला दें, अरे बोलो ना भाई, फैला के चले जाए, तो सब लोग हाथ उठा के बोलो मोहब्बत से या हुसैन। उलमा की दुआ लेकर एक शेर मैं पढ़ने जा रहा हूँ, पचरुखी शरीफ में अगर शेर अच्छा हो, माल अच्छा हो तो हमें रिजल्ट अच्छा जाए, माल अच्छा नहीं हमें कोई शिकायत नहीं। दिलो दिमाग को काबा बना रहे हैं उसे, दिलो दिमाग को काबा बना रहे हैं उसे, जनाबे हुक्का मुकद्दर जगा रहे हैं उसे, दिलो दिमाग को काबा बना रहे हैं उसे, जनाबे हुक्का मुकद्दर जगा रहे हैं उसे, और यजीद बाग तेरी थच्चियां उड़ाने को, यजीद बाग तेरी थच्चियां उड़ाने को, वो देख शहर मदीना से आ रहे हैं उसे, अल्लाह सुभान अल्लाह माशा अल्लाह, या रसूल अल्लाह पैगंबर आला हजरत अल्लाह वाह जिंदाबाद, नारे तकबीर नारे रिसालत। शेर अच्छा है कि नहीं? आपका मोहल्ला है 20 रुपया दीजिए, नेताजी एक साथी दीजिए, आप भी बच्चा दस 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 लेगा, नेता हो गया 10-20 रुपया देता है। बोला शेर अच्छा है कि नहीं? भाई टाइम मेरे पास कम है, पढ़ाएंगे ना, अभी रोक दिए उनको, शेर अच्छा है कि नहीं अच्छा है? तो क्या सिर्फ नेताजी अकेले सीखा लिया पत्र क्यों ना लगाने का?
वो लड़का इधर से है तो आदमी जो खड़ा हो सकता है मजमे में, वो लड़का है तो अरे इमाम हुसैन के नाम पर कोई दुआ शिके हुसैन खड़ा हो सकता है। इधर ए पगड़ी चचा नारा कौन लगाएगा? आप लोग कोमन जो चले गए कि कभी डरिए मत किसी से, ये मत सोचिए कि क्या होगा, कोरोना आ गया क्या होगा, आंधियां चलने लगी क्या होगा, कभी ये मत सोचो सुन्नी मुसलमानों पदुखी वालों क्या होगा क्या होगा, अरे वही होगा जो मंसूर खुदा सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हसरत ए आला हजरत, फैजान ए आला हजरत, नवासा ए मुस्तफा खान फैज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं आके स्टेज पे बैठा तो मुआ साहब तकरीर कर रहे थे, क्या नाम था? सईदुर रहमान साहब, वो इमाम हुसैन सरकार इमाम हुसैन के बचपने के हवाले से बोल रहे थे, आप लोग को याद है? अरे बोलिए ना जी, याद है? अगर पचमुखी में 8 महीने में अगर कोई बच्चा पैदा हो जाए तो सुबह फजर की नमाज के बाद जो चचा लोग चाय दुकान में चाय पीने जाते हैं वो क्रिटिसाइज करेंगे, ये सुना है पल्लवा की 8 महीने में बच्चा हुआ है, 50-50 चांस है, देखो क्या होता है, कहाँ अभी जी? अच्छा छुट्टी ले जाइए, टाइम देते तो कहाँ ले गए? अगर इत्तेफाक से 6-7 महीने में बच्चा पैदा हो जाए तो चाचा लोग कहेंगे कम चांस है, नेताजी कम चांस है, नहीं बच्चा का सतमस हुआ है, ऐसा बोलता है मैंने अपने काम से सुना, ऐसे लोग बोलते हैं मैंने सुना अपने कान से, किसी और से नहीं। लेकिन अलाउद्दीन हम कादरी पचमुखी में आया तो झोला देकर जा रहा हूं, उसे याद रखो, आसमान गवाह है, ये शरीर गवाह है, खला गवाह है, फसा गवाह है, फरिश्ते गवाह है, जिन्ना गवाह है कि पैदा होने अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक ए आला हजरत, फैजान ए आला हजरत, नवासा ए मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। छठी तकरीर आज मेरी है चांद होने के बाद, और आज मेरे से रखा था मैं प्रोग्राम लेता हूँ तुम्हें दिखाने के लिए नहीं तकरीर जाते चाहता हूँ, मगर ये जबरदस्ती का सौदा कर लिया, और ये सब जुमला खिताबत का है, जब लगे आपको दिल में नहीं तो बोलना चाहिए। आप लोग कभी स्कूल पढ़ने गए? मदरसा पढ़ने गए? सबक नहीं याद होता था तो हजरत मारते थे कि नहीं? इसको स्कूल में टीचर मारता है कि नहीं? और मारने के बाद टीचर और उस्ताद क्या बोलता है कि रो? नहीं बोलता नहीं। जैसे मार पड़ी बच्चा चिल्लाया मैया हजरत आप नहीं एकदम हजरत कल से आज बोलिए सही है गलत? सही है। मार लगी है हथेली पे, चोट लगी है हथेली पे, आवाज निकल रही है जबान से और दर्द हो रहा है दिल में, बोलो सही या गलत? इमाम हुसैन का आशिक गुलाम होगा और इमाम हुसैन का नाम लिया जाएगा और इतने आसानी से जुमला को आप हजम कर जाएंगे? तड़प कर बोल दीजिए, पचरुखी में तड़पना इसी का नाम है।
तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह। तड़प यही तड़प तो लग रहा है जाना जाए तो फिर तड़प के बोलिए तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। हर बात पे सुभान अल्लाह। हर हक के सुभान अल्लाह। हर बस्ती में सुभान अल्लाह। और मेरे कराम बैठे कोई खतरा नहीं अपनी बस्ती में सुभान अल्लाह। हमको जिंदा लोग चाहिए आइए आगे और हम अभी जिंदा कर रहे हैं। हम बैठे बैठे देखे 50% आदमी कोमा में चला गया। हम बाहर निकाल रहे हैं। हम अपना माल खराब थोड़े करेंगे। हम इसीलिए बाहर आपको निकाल रहे हैं, नींद भगा रहे हैं, उसके बाद हम तकरीर शुरू करेंगे। तो बात